फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? सखी चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डोनट चाट बनाना सिखा रही हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है और घर में मिलते सामान से ही तैयार हो जाती है। बस थोड़ी सी घर में ही तैयारी करनी पड़ती है। तो इस डोनट चाट को बनाने के लिए ये मैंने 2 सैंडविच ब्रेड के पीस ले लिए हैं। आप जितनी बनानी हो आप उतनी पीस ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये लिए मैंने इसी के साइज की गोल कटोरी और इसके जो एजेज हैं वो शार्प होने चाहिए जिससे कि ब्रेड हमारी आसानी से कट जाए। तो फ्रेंड्स, इसको कटोरी रखकर हम काट लेते हैं ब्रेड को और इनके जो साइड्स हैं इनको निकाल कर अलग रख देंगे जिससे कि अगर हम आगे कटलेट या और कोई डिश बनाते हैं तो उसमें हमारे ये ब्रेड क्रम्स काम आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड काट कर तैयार कर लेंगे। इस साइज के लिए मैंने एक छोटी कटोरी, कटोरी ढक्कन जो भी कुछ हो आपके पास वो ले सकते हैं। और इस तरह से बीच में इसे सेंटर में रखते हुए हमें एक इसको बीच में से कट करना है जिससे कि हमारी ये डोनट की शेप तैयार हो जाए। और ये हमारे जो पीस निकलेंगे अलग, इसको हम अलग रख लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरे पीस को भी कट कर लेती हूँ और इसको हमें एक के ऊपर एक ऐसे इस प्रकार से रखना है। और फ्रेंड्स, इसके लिए लिए हैं मैंने 2 उबले हुए आलू। अब इसमें हम डालेंगे मसाला। और फ्रेंड्स, ये लिया है मैंने बंधा हुआ दही। दही इसके लिए गाढ़ा इस्तेमाल करें, पतले दही का इस्तेमाल ना करें। और ये लिए मैंने सैंडविच चटनी। सैंडविच चटनी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। इसमें धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक, काला नमक और साथ में आप बिना मिर्च की भुजिया, भुजिया सेब या बूंदी कुछ भी डाल सकते हैं जिससे कि ये हमारी चटनी गाढ़ी तैयार होती है। इसे पतली नहीं होती है, इसमें से पानी नहीं बहता है, तो इस तरह से सैंडविच चटनी तैयार होती है। और फ्रेंड्स, ये लिए मैंने सूजी। ये मैंने आधा कटोरी सूजी और 2-3 चम्मच दही डालकर इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। और इस तरह से ये सूजी हमारी बहुत अच्छी फूल कर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आलूओं में डाल लेते हैं मसाले। इसमें हम थोड़ा सा डाल लेते हैं नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी डाल लेते हैं लाल मिर्ची और थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें हम चाट मसाला। चाट मसाले का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ तो उसका मैं लिंक डाल दूंगी, आप घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन सबको अच्छी तरह से आलूओं के को मिक्स कर लेंगे, हाथ की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने जो सूजी और दही का जो मिश्रण बनाया था इसमें डालेंगे हम नमक। इसमें मैंने 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम खाना सोडा, 1 चुटकी से भी थोड़ा सा कम ही डालेंगे। बस इतना सा हमें खाना सोडा लेना है। फ्रेंड्स, इसको हम जो दही और सूजी का हमारा मिश्रण है इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें से हम आलू और आलू की इस तरह से हम लॉक बनाकर इसके ऊपर एक पीस हम इस अलग निकाल लेते हैं और इसको एक पीस को हम इसके ऊपर सेट करते जाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये अपनी ब्रेड के ऊपर सेट करना है। थोड़ा सा आलू का मिश्रण और ले लेती हूँ मैं और इसको हमें अच्छी तरह से सेट कर लिया है मैंने ये, और इसको हाथ से अच्छी तरह से इस तरह की शेप में दबा लेते हैं और इसके ऊपर रख लेंगे अब हम ये दूसरी वाली ब्रेड अपनी। और इस तरह से इनके साइडों को हम एक सार कर देंगे। और फ्रेंड्स, अब जो हमने ये सूजी का जो हमने मिश्रण तैयार किया था उसको इसके ऊपर हमें लगाना है। इस तरह से हमें चारों तरफ इसको लगाना है और आप देख सकते हैं सूजी हमारी कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है। और फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें एक पैन में डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और अब मैं इसको इस तरह से छोड़ दूंगी।
अब दूसरी साइड भी इसके ऊपर हम सूजी का मिश्रण अपना लगा देंगे। बहुत ही अच्छी चाट ये फ्रेंड्स तैयार होती है, आप इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए। फ्लेम को थोड़ा हम स्लो कर देंगे। एक साइड सिकने का इंतजार करते हैं, एक साइड ये अच्छी तरह से सिक जाएगा तो इसको फिर हम पलट देंगे। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार ही सब्सक्राइब करना होता है, और आप वीडियो को लाइक कितनी बार भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स चाट की मैं कई रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, मैं उसके लिंक डाल दूँगी तो आप वह भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अब इसे थोड़ा सा एक चम्मच का सहारा लेते हुए इसको हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी जो एक तरफ से हमारा कितना प्यारा कलर आया है, और इसको दूसरी साइड भी हम सेक कर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से इसके साइड हमें और सेकने हैं। इस तरह से आप एक चिमटा ले लीजिए और इसको इस तरह से घुमाते हुए इसकी साइड भी सेक लीजिए, जिससे साइड भी हमारी क्रिस्प हो जाएंगी। बहुत ही अच्छी चाट बनकर तैयार होती है ये। और फ्रेंड्स इसमें आधी तैयारी आप पहले कर सकते हैं, और जब फाइनल कोई जैसे आपके यहाँ मेहमान आने वाले हों तो आप फिर उसे दोबारा इसे सेक कर सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा सा इसको और सिकने देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा कलर आ जाए। फ्रेंड्स अब ये हमारा सिक चुका है, इसको हम निचोड़ते हुए उतार लेंगे और इस आइए प्लेट में इसको सर्व करते हैं। अब फ्रेंड्स ये मैंने दही बांध कर रखा था, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक। और फ्रेंड्स आप अगर आपका टेस्ट अगर हो आपका तो मीठी चटनी डाल सकते हैं, नहीं तो ये दही और खट्टी चटनी से ही ये डोनट बहुत अच्छा लगता है। अब इसके चारों तरफ हम एक एक दही की लेयर लगाएंगे। और फ्रेंड्स इसमें गाढ़े दही का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर पतला दही होगा तो ये चाट के ऊपर से आपका बह जाएगा। फ्रेंड्स ये दही की लेयर लगा ली है, अब हम इस पर हरी चटनी की गार्निशिंग कर देते हैं। हरी चटनी और दही की ये डोनट बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स आप हमारी सारी रेसिपी फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च से गार्निशिंग कर देते हैं। लाल मिर्च डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप खाते हो तो डालें और नहीं तो ना डालें। और फ्रेंड्स ये डोनट चाट बनकर हमारी बिल्कुल तैयार है, आप इसे इवनिंग में स्नैक के रूप में इसे एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।